हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कैसे हिंदी पे। आज हम इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्जाम डेट कब होगा। बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी के साथ आपको ऑफिशियली अपडेट आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और आपको बता दूँगा सीबीटी एग्जाम कब होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, एनटीपीसी का एग्जाम है वो बाद में होगा, ग्रुप डी से, मतलब कहने का मतलब है कि ग्रुप डी एग्जाम एनटीपीसी से पहले होगा। ये अपडेट आपको फटाफट इस वीडियो के जरिए बता देते हैं। अगर आप हमारे चैनल कैसे हिंदी में नहीं हो तो प्लीज कैसे हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल एग्जाम मुझसे करना है तो कमेंट के जरिए कर सकते हैं, उसका 5 से 10 मिनट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अच्छा लगे इसको लाइक करें और शेयर करें, फटाफट वीडियो को खत्म कर देना अपडेट की ओर। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 2 या 3 दिन के अंदर, ठीक है, या पिछले 2 या 3 दिन के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है, सॉरी वीडियो वायरल क्या, एक न्यूज़ वायरल हो रही है। ऑफिशियली अपडेट है, मानता हूँ कि ऑफिशियली अपडेट में अपडेट दे नहीं पाया, लेकिन मैं बता दूँ उसकी सच्चाई क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे एक उसमें वायरल हुआ, उसके अंदर ये बताया, उस वीडियो में दैनिक भास्कर के अंदर ये अपडेट आई थी, उसमें ये बताया था कि जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा, ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम जो होगा वो या तो दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा। ये इन्होंने कंफर्म बता दिया, या तो दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, ये कंफर्म इन्होंने बता दिया, लेकिन उससे पहले नहीं होगा। ये मैंने शायद आपको कमेंट के जरिए कई स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम बता रहे हैं लोग कि आपका एग्जाम एनटीपीसी से पहले होगा, ये इस कंडीशन के ऊपर बताया जा रहा है कि दिसंबर और जनवरी अगर एनटीपीसी जाता है तो उससे पहले आरआरबी ग्रुप डी का होना चाहिए, कि उसका एप्लीकेशन स्टेटस भी आ चुका है। तो मैं अपडेट वो बता देता हूँ कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर अपडेट दिखा देता हूँ एक बार, फटाफट ले चलता हूँ अपडेट की ओर। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये अपडेट आपको दिखाई दे, दैनिक भास्कर के अंदर ये अपडेट आई थी 17 सितंबर 2019 को, यहाँ पे पूरी अपडेट यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड की जो वैकेंसी है 1100 पदों की, जहाँ पे जो बिलासपुर है, ठीक है, यहाँ पे बिलासपुर ने यह बताया था, ठीक है, यहाँ पे अपडेट जारी किया था, वहाँ पे उनके चेयरमैन ने यहाँ पे ये बता दिया गया था पूरी पूरी अपडेट कि आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर माह में, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिसंबर में संभव है, मतलब दिसंबर, और यहाँ पे पूरी अपडेट पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा अनुमान लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है और किस कारण से ये बताया जा रहा है कि दिसंबर तक आपके एग्जाम जारी, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये अप्लाई किया है, तो इसकी वजह से, क्योंकि 1.60 करोड़ यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया एनटीपीसी में, तो इसकी वजह से देरी हो रही है, ठीक है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पहले होगा, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी कर दी गई, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी कन्फर्म कहा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें 1.60 करोड़ यहाँ पे अगर आवेदन आए हैं तो ग्रुप डी में तो बहुत ज्यादा, आपको शायद पता होगा 2.5 करोड़ से भी समथिंग ज्यादा ही होगा, आपको शायद नहीं पता होगा तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन आपको भी ये चांसेस लग रहे होंगे, सर अभी 2 या 3 महीने का टाइम है तो उसके अंदर भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, बिल्कुल करवाया जा सकता है कि अक्टूबर माह से आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है ग्रुप डी का, तो आप सतर्क रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि रेलवे कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड रहिए, तो आपको ऐसी अफवाह भी ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपका ग्रुप डी का एग्जाम पहले भी हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ, कुछ चांसेस बन रहे हैं अभी, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम जनवरी तक भी जा सकता है, तो इसकी वजह से पहले हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें, सारे अपडेट एकदम सही जानकारी के साथ आपको मिलते रहेंगे इस वीडियो इस चैनल के जरिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, आपने उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।